तो तमाम अहम खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अब हम आपको इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग दिखाएंगे, साथ ही रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग न्यूज भी आपके सामने होगी, जो इस युद्ध की भयावहता की कहानी आपके सामने रखेगी। सबसे पहले देखते हैं इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर, तेल अवीव पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। अल कसाम ब्रिगेड का तेल अवीव में विध्वंसक हमला हुआ है। ये मिलिट्री विंग है हमास की। हमास ने 24 अक्टूबर को दागा था रॉकेट, धमाके में इमारत पूरी तरह से हो गई तबाह। तेल अवीव के रिहायशी इलाके में गिरा था रॉकेट। एक और बड़ी खबर, इसराइल पर हमास का विध्वंसक हमला देखने को मिला है। हर्जलिया इलाके पर हमास ने दागे हैं रॉकेट। हमले के बाद हर्जलिया में अफरा तफरी देखने को मिली। रॉकेट अटैक में इसराइल में भारी नुकसान हुआ है। और तीसरी बड़ी वीडियो, वॉर ब्रेकिंग आईडीएफ ने जारी किया हमास का सुरंग का वीडियो। इसराइल का हमास की सुरंगों पर नया दावा सामने आया। अस्पताल, स्कूल और मस्जिदों और घरों के नीचे हमास के लड़ाकों ने सुरंगें बना रखी थी और तस्वीरें आपके सामने देखी, यही वो सुरंगें हैं जो हमास की सबसे बड़ी शक्ति है और इसी का सहारा लेकर अब तक इस जंग में 23वें दिन भी हमास के लड़ाके बने हुए। लेकिन जैसे जैसे ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो रहा है, उन सुरंगों तक आईडीएफ की फौज पहुंच रही है और बाकायदा अब उन सुरंगों का वीडियो भी जारी किया गया है। और चौथी बड़ी खबर, गाजा पर इसराइल का हवाई हमला। गाजा के नुसीरत इलाके में जबरदस्त अटैक हुआ है। बिलाल मस्जिद के पास जाकर गिरी मिसाइल। आईडीएफ के हमले में नुसीरत में भारी तबाही मची है। एक और बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है, इजरायली आर्टिलरी ने लेबनान में बरसाए हैं बम। हिजबुल्ला के ठिकानों को बनाया है निशाना। कफर शुबा इलाके में किया गया ये हमला। और छठी बड़ी वीडियो, वॉर ब्रेकिंग। गाजा के समर्थन में तुलकर में अब प्रदर्शन हो रहा है। स्कूली छात्रों ने यह मार्च निकाला है। अल्लार शहर में गाजा के समर्थन में स्कूली बच्चों ने मार्च निकाला और इस हमले का विरोध किया। और बड़ी खबर है, हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने किया है बड़ा दावा। गाजा पट्टी के बेत लाहिया में इजरायली फोर्स पर हमला किया गया है। मिसाइल और स्नाइपर गन से इस ताजा हमले को अंजाम दिया गया। यह हमास की तरफ से बताया गया है कि उसकी मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड ने इस हमले को दिया है अंजाम। यरूशलेम में शरणार्थी कैंप पर इजरायली फोर्स ने छापा मारा है। शुफत शरणार्थी शिविर से एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। वही अगली बड़ी खबर वेस्ट बैंक से, जहां पर वेस्ट बैंक में इजरायली सेना और लोगों के बीच संघर्ष हो रहा है। जेनिन शहर में सेना और लोगों के बीच आमने सामने गोलीबारी हुई और इसका वीडियो भी सामने आया। जेनिन शहर का वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर इजरायली फोर्स और स्थानीय फिलिस्तीनी लोगों में यह संघर्ष देखा गया है। और इस बीच ईरान ने किया है शफाक मिसाइल का सफल टेस्ट। ईरान की सेना ने इसका वीडियो जारी किया है और दिखाई है अपनी ताकत। 20 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य पर निशाना साधा गया और हमले के जरिए लक्ष्य को, टारगेट को उड़ा दिया गया। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो युद्ध के मैदान से आ रही है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आई है। आईडीएफ ने गाजा में और सैनिक भेजे हैं। गाजा में एक एक इंच आगे बढ़ रही है
इजरायली डिफेंस फोर्स अब गाजा में ही रहेगी इजरायली सेना, यानी वापसी नहीं करेगी, आगे बढ़ेगी। ऑपरेशन को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और सैनिकों को भेजा जाएगा। IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस लगातार अपने एक्शन को लेकर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि और सैनिकों को भेजा जाएगा ग्राउंड ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। साथ ही जो इजरायली फोर्सेस दाखिल हो चुकी हैं गाजा के इलाके में, अब वो वापस नहीं आएंगी बल्कि आगे बढ़ेंगी, यानी इस ऑपरेशन का अगला फेज अब तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर, हमास के खिलाफ इजरायल का एक्शन देखने को मिला है। हमास के ठिकानों पर टैंकों से हमला शुरू कर दिया है इजरायली डिफेंस फोर्स ने, और इजरायली हमले में हमास के कई बड़े ठिकाने तबाह भी हुए हैं, और उसका यह ड्रोन वीडियो आपके सामने। गाजा में बारूदी रण जारी है, जमीनी हमले का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। रात में भेजे गए हैं और सैनिक, और ये गाजा में ही रहेंगे ये कहा जा रहा है IDF द्वारा। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस की ये नई रणनीति है, जो सैनिक गाजा पहुंच गए हैं वो वहीं रहेंगे और सैनिक भेजे जाएंगे गाजा पट्टी में। जमीनी हमले का ये दूसरा चरण है जिसमें ये रणनीति IDF के सैनिकों के लिए इजरायल की तरफ से बनाई गई है। यहाँ पहले ऑपरेशन कर लौट आती थी IDF, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया, यानी जो वहां पहुंचे वो वहीं रहेंगे। बिल्कुल, और संभल कर अब आगे बढ़ रही है इजरायली सेना। जो विजुअल्स, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं गाजा पट्टी के इलाकों से, वो इसकी तस्दीक भी करती हैं। इसके साथ साथ आसमान और समंदर से उन्हें बैकअप दिया जा रहा है, वो वहीं रहेंगे फोर्सेस, और फोर्सेस को बढ़ाया जाएगा लेकिन बैकअप भी मिलता रहेगा। बिल्कुल, और ये बड़ी स्ट्रेटजी अब सामने आ रही है। सीधे हम वॉर जोन का रुख करते हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी, जो कि लगातार इस मुश्किल वॉर जोन में डटे हुए हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनीष, इस ताजा स्ट्रेटजी के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि हमने देखा गाजा पट्टी से एक तस्वीर सामने आई जिसमें इजरायली डिफेंस फोर्सेस के दो सैनिक गाजा के एक मकान पर इजरायली झंडा फहराते हुए नजर आए, और अब ये जानकारी सामने आना कि जो सैनिक वहां पहुंच गए हैं वो वापस नहीं लौटेंगे, क्या बता रहा है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि IDF का जो ऑपरेशन चल रहा है और उसमें लगातार और सैनिक भेजे जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि IDF के ऑपरेशन के स्केल को और इंटेंसिटी को काफ़ी आगे बढ़ाया जा रहा है। गाजा बॉर्डर पर घंटों तक रहकर मैंने उन सब चीज़ों को देखा है कि कितनी मात्रा में ट्रूप्स, आर्म्स और दूसरे वेपन्स भेजे जा रहे थे, और अब तक जो IDF की स्ट्रेटजी थी कि वो जाती थी ऑपरेशन करके वापस आ जाती थी, अब उन्होंने तय किया है कि अब वो वहाँ पर डेरा जमाए रखेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। जहाँ तक आपने झंडे को लेकर सवाल किया, देखिए इस वक्त IDF ये बताना चाहती है कि वो जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर वो फर्म है, वहाँ पर वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है और अपने ऑपरेशन को जारी रखेगी। ये अलग बात है कि IDF के इस झंडा लगाने के बाद रिएक्शंस किस तरह के आएंगे अरब मुल्कों से, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार चाहे ईरान हो या अरब के दूसरे मुल्क हो, वो हमेशा से कहते आए हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन होगा तो फिर उसके बाद बर्दाश्त और नहीं किया जाएगा। तो क्या अरब मुल्कों के लिए भी वही रेड लाइन है? अमेरिका ने भी कहा कि गाजा पर अगर कब्जा करता है इसराइल तो ये नीति गलत होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए समीर, बहुत सारे शब्दों का खेल चल रहा है यहाँ पर। जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध में आप देखते थे कि युद्ध लड़ा जाता था और कहा जाता था कि हम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, उसी तरह से ये यहाँ पर इजरायल में कहा जा रहा है कि हम गाजा पर कब्जा करने नहीं आए हैं, तो फिर आपने झंडा क्यों फहराया? फिर वो कह रहे हैं कि हम गाजा में हमास से लड़ने आए हैं, हम सिविलियन को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पर ग्राउंड एक्शन के लिए आए हैं, ग्राउंड एक्शन की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो तमाम शब्दों के बीच में हकीकत ये है कि हर 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट में एक एक मार्केट ठहर रही है। आप बने रहे हमारे साथ, वापस आपके पास आएंगे, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बदला है ग्राउंड पर कि तेजी से ऑपरेशन को बढ़ाया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर पहले ले लेते हैं। बड़ी खबर ये कि गाजा में हर 15 मिनट में बमबारी हो रही है। IDF ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। गाजा में 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हर 15 मिनट में बमबारी, 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत, ये बड़ा आंकड़ा है लोगों की मौत का। लेकिन
लेकिन लगातार गाजा में आईडीएफ की तरफ से बमबारी हो रही है और इसी वजह से जो ज़मीन पर फोर्सेज हैं उन्हें आसमान से और समंदर से बैकअप मिल रहा है, यानी पहले हवाई हमले किए जाते हैं और उसके बाद ग्राउंड फोर्सेज अब तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। और अगली बड़ी खबर, हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बीच एक बड़ा दावा किया है, जंग में अब तक 8,005 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें 3,342 बच्चे भी शामिल हैं जो बेकसूर इन हमलों में मारे गए। देखिए, इजरायली वायुसेना ने बम बरसाए हैं और हमास के ठिकानों पर पिन पॉइंट हमला किया गया और बाकायदा आंकड़े भी इस बीच जारी किए गए हैं। ये बड़ी खबर, गाजा में इसराइल की भीषण बमबारी और उस बमबारी के बाद की ये तस्वीरें, कैसे अफरा तफरी का माहौल, उठता हुआ धुआं और अपनों को मलबे में तलाशते ये तमाम लोग। और अगली बड़ी खबर, फिलिस्तीन की सरकार के आंकड़ों पर आईडीएफ को भरोसा नहीं है, आंकड़ों पर आईडीएफ भरोसा नहीं कर रही है, इन आंकड़ों को किया जा रहा है इसराइल की तरफ से खारिज, हमास का प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रही है फिलिस्तीन की सरकार, यह कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों को यही कहते हुए किया जा रहा है खारिज। आईडीएफ के एक सीनियर अधिकारी ने TV9 से बताया कि गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों पर गाजा में मौजूद पत्रकार भी भरोसा नहीं करते। देखिए, ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय, फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए थे मौत के, जिसमें बच्चों की मौत किस भारी तादाद में हुई है यह भी बताया गया था, हमास प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है यह साबित करने की कोशिश की गई है इसराइल की तरफ से और इन आंकड़ों को किया गया है खारिज। और इस बीच गाजा में जो हालात बने हुए हैं, गाजा के हालात पर यूएन महासचिव गुटेरेस ने चिंता जताई है, गाजा की स्थिति बहुत खराब है ये कहा है गुटेरेस ने, हर घंटे गाजा में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात, खाना पानी दवाई और ईंधन की भारी कमी है जिससे जूझ रहे हैं गाजा में मौजूद आम लोग। एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता जताई है कि गाजा में हर क्षण हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, गाजा में लोग जूझ रहे हैं दवाई की कमी से, पानी की कमी से। देखिए, इस वक्त जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इसी को लेकर चिंता जता रहे हैं। इससे पहले भी वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं और शांति की अपील भी कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई फायदा हुआ नहीं। इजरायली हमले से गाजा की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, हर घंटे गाजा में हालात खराब हो रहे हैं, यह बताया गया विपिन। जी बिल्कुल, और गाजा की घेरेबंदी से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, यह भी चिंता उन्होंने जाहिर की। और गाजा में दवाएं खत्म हो रही हैं, भोजन पानी तक नहीं मिल रहा है और ईंधन की कमी से भी जूझ रहे हैं अस्पताल। गाजा में लोग सिर्फ बम और हमलों से नहीं मर रहे बल्कि बुनियादी सुविधाएं भी उनको मयसर नहीं है। गाजा में बुनियादी सुविधाएं शर्मरा रही हैं, कुछ दिनों में बड़ी मदद नहीं मिली तो गाजा की धरती पर एक बड़ी त्रासदी आना तय माना जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर ये कि गाजा पट्टी से आई है विध्वंसक तस्वीर भी, रॉकेट हमले की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है, व्हाइट फॉस्फोरस से हमले का आरोप लगाया जा रहा है, गाजा में गूंज रही है धमाकों की आवाजें, व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है ये आरोप भी लगाया जा रहा है। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें गाजा से सामने आई हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल भी किया गया है। और TV9 भारतवर्ष से बोले आईडीएफ के बड़े अफसर, हम हमास से युद्ध लड़ रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है, इसे हमास के खिलाफ जंग करार दिया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। गाजा में अभी खाने का पर्याप्त सामान मौजूद है, पानी मेडिकल सामान की भी कोई कमी नहीं है, अस्पताल में अभी चिकित्सा उपकरण भी मौजूद हैं, ये कहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। इसे हमास के खिलाफ युद्ध करार दिया गया है और
ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है गाजा के अंदर, यह भी बताया गया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। तो टीवी 9 भारतवर्ष की इजरायली डिफेंस फोर्सेस के वरिष्ठ ऑफिसर से जो बातें हुई हैं उसमें क्या दावा किया गया है ये जरा देखिए। जो अहम पॉइंटर्स हैं इस बातचीत के वो यहां हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला, क्योंकि गाजा में खाने की कमी की बात लगातार कही जा रही थी, आईडीएफ के जो ऑफिसर हैं वो कहते हैं कोई कमी नहीं है, खाना पानी सब पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है गाजा के अंदर। बिल्कुल समीर, लेकिन एंटोनियो गुटेरेस जो कह रहे हैं उससे इतर आईडीएफ का दावा, तीसरी बड़ी बात, मेडिकल सामान की अभी तक गाजा की धरती पर कोई कमी नहीं है। चौथी बड़ी बात, इजराइल से सिर्फ 10% पानी सप्लाई होता है, मतलब अगर इजराइल से सप्लाई रोक भी दी जाए तो गाजा की धरती पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 पाइपलाइन से गाजा को पानी जाता है, मतलब हालात उतने खराब नहीं है जितनी पूरी दुनिया में गाजा पट्टी अपने हालात हमास के लड़ाकों के हमले के बाद दिखाने की और कोशिश कर रहा है। और यह भी कहा गया कि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था उसमें यह पाइपलाइन तबाह हो गई है, यानी यह जो पाइपलाइन तबाह हुई, पानी की सप्लाई रुकी, उसके लिए हमास को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई है। 2 पाइपलाइन ठीक करवाकर हम पानी भेज रहे हैं गाजा पट्टी में, यह भी बताया गया है इजराइल की तरफ से। और साथ साथ दवा यह भी कि अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक बना रखे हैं अस्पताल पर, यह दवा सामने आया है। अस्पताल के अंदर हमास के कमांड सेंटर मौजूद है, वहां सुरंगें बनाई गई हैं और इन जगहों का सहारा लेकर हमास के लड़ाके वहां पर शरण स्थली बनाए हुए सभी। बिल्कुल, और हमास का एक लड़ाका जो कि आईडीएफ की कस्टडी में, उसका एक बयान भी जारी किया जाता है और उसके जरिए भी यह दावा करने की कोशिश की जाती है कि देखिए अस्पतालों में कैसे हमास ने अपने अड्डे बना रखे हैं, ये भी बताया गया है आईडीएफ की तरफ से। मनीष, लेकिन आईडीएफ अब ये जो दावे कर रहा है इसको किस हद तक सच माना जाए, क्योंकि एक तरफ फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़े जारी किए जाते हैं, दूसरी तरफ इजराइल आईडीएफ के जरिए उन्हें खारिज करता है। यह पता लगाना बहुत मुश्किल होगा और यह रूस और यूक्रेन में भी हमने देखा कि कौन सही है कौन गलत। बिल्कुल सही कहा आपने समीर, देखिए युद्ध में तो सबसे पहले सच्चाई ही मारी जाती है और वो तो हम देख ही रहे हैं, किस पर आप भरोसा करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जो गाजा में हेल्थ मिनिस्ट्री आंकड़े देते हैं वो हमास के आंकड़े हैं, इसलिए आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। आईडीएफ जो दावा कर रहा है उसके मुताबिक तो बस गाजा में सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसी स्थिति में बहुत सारा डिटेल आपने बताया ही, देखिए सवाल ये है कि सब कुछ ठीक चल रहा है ये भी बात नहीं है, लेकिन आंकड़े को लेकर भी हमने देखा कि जब 17 अक्टूबर को अस्पताल में हमले हुए थे तो महज आधे घंटे के भीतर अस्पताल में मरने वालों की संख्या 100 से 800 तक पहुंचा दी गई थी, जबकि 800 लोगों को गिनने में भी शायद उससे ज़्यादा समय लगता। तो कुल मिलाकर आंकड़े के इस हेराफेरी का पर्पस क्या है? पर्पस यह है कि हमास भी चाहता है जितने बड़े बड़े आंकड़े होंगे पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचेगी और लोग फिर फिलिस्तीन के समर्थन में जुटेंगे, इसराइल पर दबाव बनेगा और इसराइल फिलहाल अपने लोगों को यह बता रहा है कि अल अहली हॉस्पिटल की तरह ये कहा जा रहा है पैलेस्टाइनियन जो फोर्सेज है उनकी तरफ से कि अल कुद्स हॉस्पिटल पर भी थ्रेटन किया गया है इसराइल द्वारा। देखिए अल कुद्स में जो लोग रह रहे हैं उनका कहना है कि हमें इसराइल आईडीएफ ने यह कहा है कि आप इसको खाली कर दीजिए, यानी यहाँ पर भी हमला हो सकता है। और आपको याद होगा कि 2 दिन पहले आईडीएफ ने पूरे सबूत के साथ बताया है कि चाहे अल सफा हॉस्पिटल में कैसे हमास का जो है वो हेडक्वार्टर है, इसके अलावा अलग अलग अस्पतालों में हमास ने अपने अपने बेस बना रखे हैं, तो अस्पताल भी टारगेट पर होंगे और इसीलिए आईडीएफ ने साफ तौर पर कहा है कि इन अस्पतालों को खाली करके आप साउथ में जाइए, हम आपको तमाम तरह की फैसिलिटी खान यूनुस या दूसरे इलाकों में देंगे। तो संभावनाएं ऐसी बनती है और जो बात आईडीएफ के अफसर ने मुझे कहा उसके बाद तो और लगता है कि हम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर रहे, हम युद्ध कर रहे हैं और युद्ध में तो फिर युद्ध क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल मनीष, और इसराइल इस मसले पर बिल्कुल अपना रुख साफ कर चुका है, हालांकि दोनों तरफ से दावे अलग अलग हैं। आपके पास वापस लौटेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। गाजा के अस्पताल को लेकर इसराइल ने एक नई चेतावनी जारी की है, अल कुद्स अस्पताल को खाली करने के लिए कहा गया है। इजरायली सेना ने अस्पताल प्रशासन को यह चेतावनी जारी की है। अल कुद्स अस्पताल में हजारों शरणार्थियों ने शरण ली हुई है, लेकिन दावा यह किया गया कि अस्पतालों के नीचे अंडरग्राउंड बंकर्स हैं और इसमें बड़ा सेंटर बना रखा है। इस वक्त हमास के लड़ाकों ने, और इससे पहले एक और अस्पताल पर हमला हुआ था, माना जा रहा है कि यहां भी हमला हो सकता है।
और इस बीच इसराइल की एक और चेतावनी सामने आई है। इसराइल की चेतावनी है कि अस्पताल को खाली करो कहा गया है। गाजा के अलकुद्स अस्पताल को खाली करने की चेतावनी दी गई है। पहले अलहाली पर जब हमला किया गया था उससे पहले वहां भी ऐसी चेतावनी दी गई थी। अलकुद्स अस्पताल को जल्द खाली करने का अब आदेश जारी कर दिया गया है। इसराइल को अस्पताल में हमास के कमांड सेंटर होने का शक है। अस्पताल में हमास के लड़ाकों के छिपे होने का शक जाहिर किया जा रहा है IDF द्वारा। अस्पताल में 500 से अधिक मरीज भर्ती हैं और अलकुद्स में लगभग 12,000 से ज्यादा शरणार्थी भी मौजूद हैं जिन्हें लगता है कि अस्पताल एक सेफ जगह है। गाजा प्रशासन को आशंका है कि अस्पताल पर कभी भी हमला संभव है। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर है, हमास के 20 लड़ाके और मारे गए हैं। टनल से निकलकर हमला करने की कोशिश में मारे गए हमास के ये लड़ाके। गाजा पट्टी में हमले की कर रहे थे कोशिश। जैसा कि TV9 भारतवर्ष ने आपको बताया कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस अब गाजा के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। इजरायली टैंक्स भी गाजा के अंदर दाखिल हो चुके हैं और हमास के ठिकानों को बनाया जा रहा है निशाना। ये जानकारी मिल रही है कि हमास के और 20 लड़ाकों को गाजा पट्टी के अंदर मार गिराया है इजरायली फोर्सेस ने। और एक और बड़ी खबर, हमास ने गाजा की सुरंगों की ताजा तस्वीर जारी की है। गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों की पहली तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सुरंग में मौजूद है हमास के लड़ाके और सुरंग में गाड़ियां भी जा सकती हैं। इतनी बड़ी सुरंगें बनाई गई हैं और इन्हीं सुरंगों का सहारा लेकर 23 दिनों से लगातार हमास के लड़ाके इसराइल जैसे ताकतवर देश के खिलाफ इस जंग को लड़ रहे हैं। और अब उस सुरंग की तस्वीरें जो सबसे बड़ा पनागाह है और सबसे बड़ी ताकत जो इस वक्त हमास के लड़ाकों की बनी हुई है। और देखिए इतनी बड़ी सुरंगें कि इसमें गाड़ियां भी अंदर जा सकती हैं, हथियारों को छिपाया जा सकता है और हजारों की तादाद में लड़ाके यहां शरण ले सकते हैं। खाने पीने रहने का इंतजाम कि अगर युद्ध हुआ भी तो सैकड़ों दिन तक बैकअप बनाकर इन सुरंगों में रखा जा सकता है। और अब उसकी तस्वीरें सामने। और देखिए गाजा में जो तिलस्मी सुरंगें पाई गई हैं उसके बारे में कुछ और जानकारी आपको दे दें। सुरंगों में पूरा पूरा वॉर रूम बनाकर रखा गया है। हमास का यह हेडक्वार्टर है, हथियारों का जखीरा इसी तरह की सुरंगों में छिपाकर रखा गया है और यहां से लगातार हमले किए जा रहे हैं। बेहद मजबूत हैं ये सुरंगें, घुमावदार सुरंगें हैं। जो बंधक भी आपको याद होगा हमास की कैद से सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि मकड़ी के जाले की तरह ये सुरंगें फैली हुई। बिल्कुल समीर, और देखिए रॉकेट और अन्य खतरनाक हथियारों को छिपाने का सबसे मुफीद जगह हमास के लड़ाकों की यही सुरंगें हैं। गाड़ियों को रखने तक की व्यवस्था है, मतलब इतनी बड़ी है ये सुरंगें कि जमीन से इन सुरंगों में गाड़ियां भी जा सकती हैं, छोटे टैंक्स भी जा सकते हैं। सुमारा जी हाँ, बताया जा रहा है कि सुरंगों में छोटे टैंक भी जा सकते हैं, गाड़ी भी जा सकती है, यानी पूरा का पूरा शहर नीचे सुरंगों में ही बसा हुआ है। कंट्रोल रूम और लॉजिस्टिक सेंटर भी यहीं मौजूद है, कमरे हैं, हॉल हैं, वेयर हाउस हैं, यानी हमास ऐसा लगता है कि इन सुरंगों में ही रहता है और यहीं से काम करता है। जहाँ पहुंचना हालांकि बहुत जटिल है ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा बंधक रिहाई के लिए IDF ने एक प्लान भी जारी किया है, यानी बंधकों को रिहाई कैसे कराई जाएगी इसको लेकर क्या प्लान है वो बताते हैं। सर्विलांस फौजों का ग्रुप बनाएगी इजरायली डिफेंस फोर्स। सर्विलांस टीम पर रिहाई का जिम्मा होगा। स्पेशल फोर्स बनाई गई है, स्पेशल टीम बनाई गई है जो सुनिश्चित करेगी कि वो तमाम बंधक जो अभी भी हमास के कब्जे में है उन्हें छुड़ाया जा सके। और इस बीच एक बड़ी खबर है, इसराइल ने वाटर पाइपलाइन शुरू कर दी है। इसराइल ने 3 में से दूसरी पाइपलाइन भी खोल दी है। अब गाजा को रोज 28.5 मिलियन लीटर पानी मिलेगा। और एक और बड़ी खबर, गाजा पट्टी में और मदद भेजी जाएगी, यह फैसला किया गया है। इसराइल मदद भेजने की इजाजत देगा। गाजा के लोगों को दक्षिण की तरफ इसके लिए जाना होगा क्योंकि दूसरी जगहों पर जो बाकी के इलाके हैं वहां पर ऑपरेशन और तेज करने का फैसला किया गया है। अभी तक हमने आपको इजराइल हमास जंग से जुड़ी सभी बड़ी खबरें दिखाई। उधर दूसरे वॉर फ्रंट रूस यूक्रेन के बीच भी बड़ा घमासान जारी है। चलिए देखते हैं रूस यूक्रेन की जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग न्यूज।
पहली खबर पर नजर डाल लेते हैं। यूक्रेन पर रूसी टैंकों से हमला जारी है। रूसी टैंक से यूक्रेन पर बड़ा हमला किया गया है। कुप्यांस्क में यूक्रेनी इलाके में तबाही देखने को मिली है। देखिए किस तरह से हमला किया गया टैंक द्वारा, और ये कुप्यांस्क इलाका है यूक्रेन का। अगली बड़ी खबर, यूक्रेन का रूसी शहर पर हमला। हमले में होटल में लगी भीषण आग, आग से होटल जलकर हो गया खाक। तस्वीरें आपके सामने। और तीसरी बड़ी वीडियो वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन का रूसी टैंकों पर भीषण हमला। हमले में जलकर खाक हो गई है रूस की टैंक्स, पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया यूक्रेन के इस हमले में, और उसकी तस्वीरें भैया आपके सामने। जी शिकार, बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर एमएलआरएस से हमला। एमएलआरएस से रूसी ठिकानों पर दागे गए रॉकेट, हमले से रूसी इलाके में तबाही मची है। एमएलआरएस से कैसे रूसी ठिकानों पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। और यूक्रेन का रूस पर मिसाइल से अटैक हुआ है। नीपर नदी के किनारे से मिसाइल अटैक को अंजाम दिया गया। स्वीडिश मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है यूक्रेन की तरफ से। और छठी वीडियो वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेनी बॉर्डर गार्ड्स का रूस पर हमला देखने को मिला। रूसी बंकरों को इस हमले में निशाना बनाया गया, और हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा भी किया गया है। लाइमन की दिशा से रूसी ठिकानों पर इस बार हमला बोला गया।